अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। सो यार, ये मेरा ना न्यू चैनल है। सो उसमें मैं फर्स्ट रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। चलो वीडियो की तरफ बढ़ो। एम आर इंडिया को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज यार, ये जो वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि अपने आप में ही बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि भाई यार अपने को तो हो ही नहीं सकता, अपनी तो जो बॉडी है वो स्टील बॉडी है, किसी को भी हो जाए अपने को तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये कोरोना वोरोना कुछ भी नहीं है, सब कहने की बात है। तो गाइज यार, उन्हें बता दूँ कि जब अमिताभ बच्चन जी को हो सकता है, योगी जी को हो सकता है, बड़े बड़े नेताओं को हो सकता है, मुझे हो सकता है, तो ये किसी को भी हो सकता है। तो गाइज यार, मैं भी पॉजिटिव हूँ और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें आप देखते हैं यहाँ वहाँ, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डराती है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक पॉजिटिव हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ, किस तरीके से मुझे पता पड़ा और मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो हालत है अभी वो किस तरीके की है। तो कही यार, आज से पहली चीज़, मैं अभी क्वारंटीन के अंदर हूँ, इसीलिए वीडियोस भी नहीं आ रही है, ना मैं अपने घर वालों से मिलता हूँ, ना ही अपने घर जाता हूँ, सारा दिन बस अपना ऑफिस है, मैं हूँ यहीं, मैं हम खाना बनाते हैं और मेरे साथ साथ तीन और लोग हैं, हम चार लोग हैं, चारों पॉजिटिव हैं। और हम कैसे हुए, इसके पीछे की एक लंबी कहानी है, अगर आप कहेंगे तो किसी और वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो अभी अगर अपन कहें तो आज से लगभग 5 दिन पहले मेरा सर दर्द शुरू हुआ, मुझे सर दर्द होने लगा और मैंने सोचा कि क्या पता धूप वगैरह की वजह से कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे करते करते शाम तक मुझे हल्का हल्का बुखार आ गया, ठीक है, फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं सो गया। सुबह उठा, सुबह सर दर्द और ज़्यादा तेज़ हो गया, काफ़ी ज़्यादा सर दर्द करने लगा। उसके बाद में दोपहर होते होते मुझे बुखार आ गई और शाम होते होते मेरा जो बुखार है वो चला गया करीब करीब 102 डिग्री 103 डिग्री के आसपास में, इतना ज़्यादा मुझे बुखार था, सिर दर्द था, ठीक है गाइस। तो मुझे फिर शंका हुई, मुझे लगा यार कि अब अपने को टेस्ट कराना चाहिए। मैं टेस्ट कराने गया और मैंने जांच कराई और जांच के अंदर मैं नेगेटिव आया। जी हाँ गाइस, तो एक पल के लिए मैं खुशी हुई काफ़ी ज़्यादा कि चलो अपन नेगेटिव है, लेकिन जो तबीयत थी वो ख़राब थी, ठीक है। तो जैसे ही मैं शाम तक, मतलब पहला जो टेस्ट करा के घर पे आया, तब तक मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, फिर मेरे हाथ बदन टूटने लगा, पूरा शरीर में से जैसे कि शक्ति नहीं है, ताकत ही नहीं, ठीक है। जो पैर हैं, पैरों के घुटनों के नीचे नीचे बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, और जो फिर बाद के अंदर अगली सुबह गले के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा खराश होने लगी, यहाँ से कुछ पीने खाने में दिक्कत होने लगी, जलन होने लगी, चाहे अपन कितना ज़्यादा ऐसे निगल ले वो दिक्कत बनी रह रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा यार कि हो सकता है कि इतनी ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है, कुछ एरर की वजह से जो रिपोर्ट है वो गलत भी आ सकती है, क्योंकि इतने सारे टेस्ट होते हैं यार, इक्का दुक्का क्या पता ऐसा हो जाए। तो अपने को एक काम करना चाहिए, एक बार फिर से टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि अपनी जो तबीयत है, अपने जो सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल ठीक वैसे हैं, और ऐसे सिम्टम्स इससे पहले मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था, ये बिल्कुल मेरे लिए भी नई चीज़ थी। तो फिर मैंने टेस्ट कराया और फाइनली मैं भी पॉजिटिव हूँ, ठीक है गाइस। तो अब देख सकते हैं कि मैंने पहला टेस्ट कराया था 27 को, और जो 27 को टेस्ट कराया था वो था नेगेटिव, आप देख सकते हैं कि फाउंड नेगेटिव, और जो टेस्ट का टाइप था वो था RT-PCR, ठीक है गाइस। और उसके अगले ही दिन मैंने दोबारा टेस्ट कराया और उस टेस्ट के अंदर मैं पॉजिटिव था। तो गाइस, अगर सीधी सीधी बात कहूँ तो ये चीज़ किसी को भी हो सकती है, और इसे हल्के में बिल्कुल भी ना लें,